सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताएंगे कि आप ओप्पो का A57 को कैसे फ्लैश करेंगे। तो इस सेट में हालांकि ये कि पैटर्न लॉक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि चाहे पैटर्न हो, पिन हो, कोई भी लॉक हो या सॉफ्टवेयर के लिए डेड हो, तो आप जस्ट इस सेट को फ्लैश करेंगे, फुल फ्लैश करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अपना डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस सेट को आप कैसे फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं अपने डेस्कटॉप आपको ले गया है, तो ये है इसका रोम और इसके अंदर ही आपका जो फ्लैश टूल है वो भी है। तो आपको यहाँ पर स्टैक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले से स्टैक करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर स्टैक करना है और इसका जो ड्राइवर है, इसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको, मैंने पहले से स्टेक करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है MSM डाउनलोड टूल। तो इसको आप चाहे तो रन एस एडमिनिस्टर कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके जो है ओपन कर सकते हो। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, इसका जो टूल है वो ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम दिखा रहा है और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है ना। तो जब आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, तो चलिए मैं आपको मोबाइल कनेक्ट कैसे करना पड़ेगा। आपका मोबाइल का जो वॉल्यूम अप एंड डाउन है, ये दोनों की को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको जो USB केबल है उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इंसेट करते हो और आप जब टूल के अंदर चला जाते हो, ठीक है, और टूल का आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस जो है, यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो कनेक्ट दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट फ्लैश कर देना है, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो आप जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये इरेज हो रहा है और फाइल को आप ये टोटली इरेज करके फाइल को फिर से डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड होने देते हैं, हम फुल फाइल को राइट कर रहा है ये। जैसे आपको कनेक्ट करना है, भले अप एंड डाउन की से दोनों की को प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट करना है USB केबल से, और आप जब स्टेटस देखेंगे यहाँ पर, उसका यहाँ पर लिखा होगा कनेक्टेड, उसका मतलब है आपका जो डिवाइस है, मोबाइल है, वो आपका टूल के साथ कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए, ये डाउनलोड हो रहा है और होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फ्लैश, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जो फ्लैशिंग है ये अभी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम को राइट कर रहा है, सिस्टम का जो फाइल है उसको राइट कर रहा है। तो सिस्टम राइट कंप्लीट हो गया और उसके बाद और जो बाकी सारा फाइल है, यूज़र डेटा वगैरह वगैरह सब ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो इस फाइल का लिंक और ड्राइवर और फ्लैश टूल में एक ही फोल्डर में, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुल। और मोबाइल को अगर देखेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग बार शो कर रहा है। तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल को हम यहाँ से डिसकनेक्ट कर देते हैं उसके बाद। तो देख सकते हो मैंने, मेरा मोबाइल पर चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने चार्जर लगा के इसको ऑन करता है, ठीक है। इसमें चार्ज थोड़ा कम है इसलिए। तो चलिए मैं इसको ऑन कर दिया, आप देख सकते हो ओप्पो का लोगो आ गया, एंड्रॉयड लोगो भी आ गया। और क्योंकि हमने इस सेट को फ्लैश किया है इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने में, ठीक है। तो ये ओप्पो का लोगो जो है वो ब्लैंकिंग करके फिर से आ गया और मैं एक वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और आगे का जो स्टेप होगा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऑन हो रहा है। सो फ्रेंड, ऑन होते तो मैं और एक बार आपको बता दूं कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए और आपको इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक भी दे दूंगा और मेरा एक वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आपका अगर दूसरा कोई मोबाइल का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट के जाकर भी चेक कर सकते हो या मेरा फेसबुक पेज के जाकर भी, आप वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो आप वहाँ पे जाकर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सर्च करके आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
देखिए ये ऑन हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये ऑन हो गया। तो आपको यहाँ पे पहले जो आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है कि क्या क्या चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इंग्लिश चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको वाईफाई आप अभी हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। उसके बाद और एक बार स्किप करते हैं, स्किप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू, स्क्रॉल कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो सेड है वो पूरा ऑन हो गया और ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। अबाउट फ़ोन, तो आप देख सकते हो ये ओप्पो A57 और मैंने जो जो आपको बताया था इसका वर्जन वगैरह। सो फ्रेंड इतना फंडा था। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।